लोकसभा चुनाव अंतिम मुहाने पर खड़ा है। सातवें चरण के चुनाव में आज गाजीपुर लोकसभा के बारे में बात करें तो गाजीपुर लोकसभा में तमाम सारे शीर्ष नेताओं की आना जाना जारी है। आसमान से लेकर धरती तक हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन से लेकर चमचमाती हुई गाड़ियां गाजीपुर लोकसभा के गलियों, शहरों में, नगरों में दौड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि ऊंट बैठता किस करवट है। हमारे साथ गाजीपुर के एक बहुत बड़ी हैसियत, जनाधार के रूप में जनाधार के सम्राट कहे जाने वाले, पूर्वांचल में एक विशेष पहचान बनाने वाले, युवाओं के दिलों के धड़कन कहे जाने वाले अरुण सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कभी भाजपा के कद्दावर नेता थे और आज भाजपा के रूप में पुनः अपने परचम लहराने के लिए आज पूर्वांचल के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं। आइए जानते हैं गाजीपुर लोकसभा चुनाव क्या कहता है। सबसे पहले तो हम आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में स्वागत करते हैं। आपका मैं भी स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और आपके चैनल को। क्या लगता है, अभी कल परसों में चुनाव है, 4 जून को रिजल्ट आना है, जितनी प्रयास करने थे जितने वो सारे प्रयास लगभग समाप्ति के दौर पर है, अंतिम समय है, और इस स्थिति में क्या लगता है लहर किधर जाने को दिख रही है, अनुभव क्या कहता है आपका? देखिए, जब भी चुनाव होता है और कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपना अपना कार्यक्रम उद्देश्य जनता के बीच में रखती है, योजनाओं को जनता को बताती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी के पास न कोई योजना है, न उनका कार्यक्रम है, न उनका कोई उद्देश्य है। केवल एक उद्देश्य है, जाति धर्म वर्ग के नाम पर नफरत फैला करके वोट मांगना। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और काफी हद तक सबका विश्वास हासिल भी किया भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके यूपी में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी योजना चलाई, विकास की जितनी भी योजनाएं चली, हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जात के लोगों तक पहुंची है। और सरकार कोई भी हो, ऐसी होनी चाहिए कि उनकी योजनाएं सभी जात वर्ग धर्म के लोगों के पास पहुंचे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर भेदभाव हुआ करता था, लेकिन अब जो भी योजनाएं चली है सबके पास पहुंची है, चाहे खाद्यान्न की योजना हो, गरीबों तक जो पहुंचती है उसमें जात वर्ग के नाम पर नहीं बढ़ता है अनाज, सबको मिलता है, 5-5 किलो सबको मिलता है। जनता पार्टी की बेसिक योजनाएं आम जनमानस को पहुंच रही है, इसका लाभ भी गरीब तबका और पिछड़ा भी ले रहा है। बट इस क्रम में एक सवाल है अरुण जी की, पिछली बार लोकसभा में विकास का परचम था, मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष कहे जाते थे और बड़े ही जोर शोर से 2014 के बाद उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी वास्तव में, बट अगली बार 2019 में जनता ने उसे पसंद नहीं किया। विकास की बात आप कर रहे हैं, कल भी विकास था, आज भी विकास है, आज क्या परिवर्तन हो गया? देखिए, यह नकारा नहीं जा सकता कि जनता ने उनको पसंद नहीं किया, जनता ने पसंद किया, और जहां जाति समीकरण उनके पक्ष में नहीं था वहां 2014 में मोदी जी के लहर के बाद भी 2019 में उन्हीं की लहर में 1.5 लाख वोट अधिक मिला था मनोज जी को, तो ये मैं नहीं कह सकता कि उनको जनता ने नकार दिया है। बहुत बड़ा जनाधार दिया है जनता ने, अगर उस जनाधार का पालन हो और उस हिसाब से जनता के सुख दुख में लगातार वो बने रहे तो कभी वो चुनाव पीछे नहीं हो सकते। चुनाव में जनाधार की बात किया जाए अरुण जी, तो जनाधार तो पहले भी था और उस जनाधार के बाद तुरंत आप विधानसभा चुनाव में भी आते हैं और 7 विधानसभा भाजपा गंवा देती। मनोज सिन्हा जी बहुत दिनों से जनता के बीच में थे, आपके भी करीबी रहे हैं और आपने भी काफी सम्मान दिया है, कई मौकों पर देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पारसनाथ राय जी को यहां से टिकट दिया गया, तो पारसनाथ राय जी जनता के लिए लगभग लगभग पूरे नहीं लेकिन लगभग अनजाने से थे, तो कैसे मनोज सिन्हा को छोड़कर लोग पारसनाथ राय पे भरोसा करें? नहीं, पारसनाथ राय जी अनजान नहीं थे, लेकिन ये सत्य था कि जिन गुंडों माफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को लड़ना था उस हिसाब से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा। नहीं तो पारसनाथ राय जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे स्वभाव के हैं,
और वह गुंडे माफियाओं की श्रेणी में नहीं आते कि उनसे उनका मुकाबला कर सके, उनके लिए उसी तरह का कैंडिडेट चाहिए था जो लगातार चढ़ करके चुनाव लड़ता, उनके हर एक कटु सवाल का बढ़िया जवाब देता ताकि उनको भी समझ में आता। पारस राय जी आरएसएस जुड़े हुए हैं, भाजपा के भी हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह चुनाव मनोज सिन्हा जी को खुद लड़ना चाहिए था, क्योंकि 2004 में जिस तरह से नंगा नाच इस जनपद में हुआ, कम से कम आज लोकतंत्र के चुनाव में मनोज जी को चुनाव लड़ करके उसको पटकनी देने का काम करना चाहिए था, 2004 का बदला लेना चाहिए था राजनीतिक रूप से। कहीं ऐसा ना हो कि भारी चूक हो जाए, अब कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये स्थिति आती है कि नहीं आती है, क्योंकि शीर्ष नेताओं का हवाई माने आसमान से लेकर के धरती तक एक कर दिए हैं गाजीपुर में, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी का कल रैली हुआ था, इसके साथ कई सारे नेताओं का शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जनपद के ब्लॉक और तहसील स्तर पर इन लोगों ने जनसभा किया है, तो क्या लगता है आपको 400 पार का नारा सही हो रहा है? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो बड़े नेता इसलिए जनपद में जाते हैं कि अपने पार्टी का जो एजेंडा होता है वो जनता के बीच में रखते हैं, उनको समझाते हैं और अच्छा माहौल बनाते हैं। उनके आने से माहौल अच्छा तो बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मतदाता बूथ तक पहुंचे, मतदाता के सुख दुख में कार्यकर्ता खड़े रहे हो, यह एक अहम प्रश्न है। कार्यकर्ताओं की सुनी जाती रही हो, यह एक अहम प्रश्न है। और जब तक कार्यकर्ता उत्साह के साथ चुनाव में नहीं लगता है, तब तक चुनाव जीतना संभव नहीं होता है। चुनाव जीतने लायक है, वोट भी बहुत है भारतीय जनता पार्टी के पास। अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि घर घर से मतदाताओं को निकाल करके बूथ तक पहुंचाएं, मतदान कराएं, तो निश्चित रूप से हम जीत सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मायूस पड़ा है, उदासीन पड़ा है, तो कार्यकर्ता कहां से बढ़ चढ़ करके काम करेगा? लेकिन बूथ कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक तो 400 पार का नारा लगाए बैठे हैं, आपका क्या आंकड़ा? निश्चित रूप से 400 पार होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह नारा लगाया है तो निश्चित रूप से 400 पार होगा, उनका तो यह नारा ही है, उन्होंने जनता को दे दिया है अपने कार्य के बल पर, विकास के बल पर। गाजीपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का आतंक समाप्त हो चुका है। गाजीपुर में जब भी कोई चुनाव होता था तो एक फरमान जारी हुआ करता था कि फला पार्टी को उड़ दो, फला व्यक्ति को उड़ दो। ये सब अरमान फरमान धूसरित हो चुका है। अब यह लोकतंत्र का चुनाव है, मोदी जोगी जी के नाम पर चुनाव है, मोदी जोगी जी के विकास पर चुनाव है और मोदी जोगी जी के कृत्यों पर यह चुनाव है, इसलिए यह चुनाव अवश्य जीतेंगे, 400 पार अवश्य होगा। तो गाजीपुर के कद्दावर नेता अरुण सिंह जी का कहना है कि निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी और पुनः योगी और मोदी की सरकार भारत में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जनता को जगाने का काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।